मिथिला नजर आ रहा है, इसको जबले रुमाक कहा जाता है। रुमाक का मतलब तीर चलाने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ आए तो आप यहाँ अपने सरबंदी के काफिर सामने थे, सामने काफिर, और जब जंग शुरू हुई तो जंग शुरू होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 सहाबे कराम को जो तीर चलाने में बहुत ही माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे, उनको इस पहाड़ी पर खड़ा किया और कमांडिंग अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपी और नसीहत की कि इस पहाड़ी पर तुम लोग रहना चाहे, हमारी जंग में जीत हो या हार हो, हम हारेंगे या जीतेंगे लेकिन तुम लोगों को पहाड़ी नहीं छोड़ेंगे। जब हमासान की जंग शुरू हो गई और मामला ये हुआ कि कुफार मैदान छोड़ के भागने लगे, कुफार मैदान छोड़ के भागने लगे, तो यहाँ पर जो सहाबे कराम थे उसमें दो ग्रुप हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि देखो हमको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो काफिर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, सहाबे कराम माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं तो हम भी छोड़ के चलते हैं, माले गनीमत इकट्ठा करें। और कुछ सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये हुक्म दिया था कि चाहे हमारी हार हो या जीत हो लेकिन ये पहाड़ी नहीं छोड़ना है। बहरहाल बातें हुई और आखिर में ये पहाड़ी सहाबे कराम छोड़ करके नीचे उतर गए। और ये उनकी सरकसी नहीं थी सहाबे कराम की, नौज़ुबिल्लाह, एक सोच थी। हम और आप भी सोच सकते हैं, जैसे कभी मैं ग्रुप लीडर हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मौलवी साहब ने नहीं 5 बजे कहा था, किसी ने नहीं मौलवी साहब ने 6 बजे कहा था, तो कभी हो जाता है उल्टा सीधा, तो ऐसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग। वरना सहाबे कराम ने जानबूझ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी नहीं की थी, लेकिन ये चूक थोड़ी सी हुई। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, काफिरों के साथ जंग लड़ रहे थे और वो कमांडिंग में बड़े माहिर थे, जंग में दांव पेच उनको बहुत ज्यादा आते, सिपा सालार थे, कमांडर थे, उन्होंने मौका को गनीमत समझा और एक जत्था लेकर के काफिरों का और आकर के इस पहाड़ी पे चढ़ गए, टीले पे चढ़ गए। चूंकि ये टीला सहाबे कराम से खाली हो गया, सहाबे कराम यहाँ मैदान में क्या है, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, तो इस पर खड़े होकर के और तीर की बारिश कर दी, तो आन की आन में 70 सहाबे कराम शहीद कर दिए और जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हुई। क्योंकि अब सहाबे कराम तो फिर तैयार नहीं है ना, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं और इधर से पहुंच करके तीर शुरू हो गई, तो आन की आन में 70 सहाबे कराम शहीद कर दिए। आपको मालूम है कि यहाँ पे हम सब के लिए इबरत है कि सहाबे कराम से ये छोटी सी गलती थी और ये इज्तिहादी गलती थी, जानबूझ करके अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी उन्होंने नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये दर्स सिखलाया जो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए इबरत है। आज हम में से कौन नहीं जानता है कि नमाज का छोड़ना कुफ्र है, नमाज फर्ज छोड़ना गुनाह का काम है कि नहीं काम है, लेकिन आप जिस कॉम्प्लेक्स में रहते होंगे जरा सुबह को उठिए तो देखिए कितनी लाइटें जल रही हैं, 100 फ्लैट हैं तो 90 फ्लैट की लाइटें बिजली हुई है, 10 फ्लैट की लाइटें आन है, ये लोग नमाज पढ़ने वाले हैं। और अमूमी तौर से देखिए तो 90% लोग नमाज फर्ज छोड़ के सो रहे हैं, तो जानबूझ के छोड़ेंगे नहीं छोड़ रहे हैं, जानबूझ करके। सूद का मामला है, सूदी लेन देन का आप देख डालिए, अभी अगर हाथ उठवा लिया जाए तो हो सकता है 5% लोग ऐसे हों कि जो सूदी कारोबार ना कर रहे हों, जो 95 लोग हज उमरा करने के लिए आए हैं और सूदी कारोबार कर रहे हैं, लोगों को धोखा देना, लोगों को कुछ कहना, झूठ बोलना, गीबत करना, क्या क्या चीजें हम सब जानते हैं कि हराम काम है, इसकी ये सजा है, लेकिन हम दिन और रात में सैकड़ों गलतियां करते हैं नहीं करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर सजाएं हैं, जालिम हुक्मरानों को अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया है कि नाक में दम किए हुए सोच रहे ना, मुसलमानों के पास बहुत कुछ है लेकिन ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए दुनिया में कोई वैल्यू हमारी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह की मासियत और नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हम आए हुए हैं ये बहुत का वाकया हम सब के लिए बारिश है, इबरत है कि जो सरकसी हम कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो नाफरमानी कर रहे हैं,
यहाँ से लौटें तो अल्लाह से सच्ची तौबा करें। ये जब जंग शुरू हो गई तो इस जंग में सहाबे कराम ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उसको सोचिए तो आंखों से रुलाई आ जाती है, पेशानी पे पसीना आ जाता है। यही वो जंग है कि जब जंग लड़ी जा रही थी तो तलहा रज़ी अल्लाह तआला को जो उन 10 सहाबे कराम में से एक हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, तलहा रज़ी अल्लाह तआला को सीना बसपर हो जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और कहते हैं नहरी दून नहरी। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों की तीर आए तो मेरा सीना सामने हो, आपके सीने में तीर ना चुभेगा, दुश्मनों की तीर आए तो मेरे सीने में। यही वो कुर्बानियाँ थीं कि अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज़ बख्शा कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इन सहाबे इकराम से राज़ी हो गया और ये सहाबे इकराम अल्लाह ताला से राज़ी व रज़ा। यही वो ग़ज़वे उहुद है कि सहाबे इकराम के साथ अल्लाह के रसूल यहाँ आ चुके हैं, घमासान जंग शुरू है। एक सहाबी जिनका नाम हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, अभी नई नवेली शादी हुई थी, सुबह को उठे थे गुस्ल करने के लिए, खबर मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहुद में, ये मुश्किल से 3 किलोमीटर भी नहीं मदीना यहाँ से, कि वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के मुकाबले में हैं और बड़ी गुत्तम गुत्ता लड़ाई शुरू है। कहाँ करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ मैं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन काफिरों के मुकाबले में लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँ या मैं गुस्ल कर लूँ। सोचते हैं गुस्ल ज़रूरी नहीं है, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुसीबत की घड़ी में है वहाँ हमें पहुँचना है। उसी नापाकी की हालत में हंजला रज़ी अल्लाह तआला को यहाँ पहुँच जाते हैं, काफिरों के मुकाबले में लड़ना शुरू कर देते हैं, कितने काफिरों को जहन्नम रसीद किया और अखीर में जामे शहादत उन्होंने नबी मुसलमान शहीद कर दिए। जब जंग ख़त्म हो गई, जंग ख़त्म होने के बाद जो सहाबे इकराम शहीद किए गए थे उनकी लाशें बिखरी हुई थी, सबकी लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, सबकी लाशें इकट्ठा हो गई, देखा गया कि हंजला भी इसी मैदान कारजार में, हंजला भी शहीद हुए हैं, उनकी भी लाश गिरी है, लेकिन हंजला की लाश कहाँ है। खोजा जाने लगा, तलाश किया जाने लगा, बहुत पहाड़ी जो देख रहे हैं इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पे हंजला रज़ी अल्लाह तआला की लाश को मलाइका फरिश्ते ले गए और उनको गुस्ल दिया। क्यों गुस्ल दिया, शहीद जो होता है जिस हाल में वो जामे शहादत नोश फरमा ले, कत्ल कर दिया जाए, उसी हाल में शहीद को दफना किया जाए। लेकिन चूंकि हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नापाकी की हालत में थे इसलिए फरिश्ते ले गए और पहाड़ी के ऊपर ले जाकर के फरिश्तों ने हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया था, जिसकी वजह से उनका लकब पड़ा ग़सीलुल मलाइका। वो सहाबी जिनको फरिश्तों ने अपने हाथों से गुस्ल दिया था, हाय हाय क्या तकदीर थी इन सहाबे इकराम की, जान दे दी, दी हुई उसकी थी, अब तो है कि हक अदा न हुआ। तो मेरे दीनी भाइयों, मेरी बहनों, सहाबे इकराम ने इस दीन को अपने खून से सींचा है, अपने खून से सैराब किया है, तब ये दीन हम तक आके पहुँचा है। लेकिन आज हम हैं कि बेराहरवी के शिकार हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इनकी कुर्बानियों को हम समझें और यहाँ से लौटें तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश करें कि सहाबे इकराम की छोटी सी गलती हुई और सबक अल्लाह ताला ने कैसा सिखलाया। आज हम हैं कि सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, दोस्तों हक ये है कि हम यहाँ से सच्ची तौबा करके लौटें और अल्लाह ताला की रूबरू तौबा करते हुए जाएँ कि अल्लाह ताला जो गुनाह हो रहा है या हो गया है माफ़ फरमा दे, अब हम तेरी सरकसी पर नहीं उतरेंगे। और ये कुर्बानियाँ सिर्फ सहाबे कराम की नहीं थी, जो हमारी बहनें थी भी इसमें आगे थी, बनी दीनार की वो खातून भी थी कि उनके शौहर भी, भाई भी, बेटे भी सब इस जंग में शहीद कर दिए गए थे, इसी उहुद के मैदान में शहीद कर दिए गए थे। खबर फैल गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद किए गए, आपको चोट आई, यहाँ पे आप भी जख्मी हुए, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने वल्लाहु यासिरुक मिन अन्नास, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी कि आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता, वल्लाहु यासिरुक मिन अन्नास, अल्लाह ताला आपकी लोगों से हिफाजत करेगा,
कितने अंबिया कत्ल भी किए गए, लेकिन आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता है। आपकी मौत तभी होगी तो हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन आप शहीद नहीं किए गए। जब लौटे मदीना के लोग बेचैन थे कि सहाबे कराम शिकस्त खा गए हैं, अल्लाह के रसूल भी शहीद कर दिए गए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ये सहाबे कराम वापस लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में बनी दीनार की वो खातून थी कि आप गौर फरमाएं कि जिसका शौहर भी जा चुका हो, भाई भी जा चुका हो, बेटा भी जा चुका हो, सब जा चुके बचा को। ओ सहाबे कराम जब देखते हैं उस खातून को तो तसल्ली के कलिमात कहते हैं, तो कहती है मुझे जरा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, बाप बेटा गया, शौहर गया, भाई गया, वो गम कुछ नहीं है। कहती है जरा मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सहाबे इकराम कहते हैं कि वो बखैर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तसल्ली नहीं होती है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर उस खातून की नज़र पड़ती है, बेसाख्ता पुकार उठती हैं, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी ज़ाते मुबारका मौजूद है, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो ये दुनिया की मुसीबत से कोई हैसियत नहीं है। मेरा शौहर गया, मेरा भाई गया, मेरा बेटा गया, सब शहीद हो गए, लेकिन अगर सारी कायनात के रहबर, सारी कायनात के कायद, नबियों के सरदार आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो बहुत बड़ी नेमत मौजूद है। इन मुसीबतों की कोई हैसियत हमारे यहाँ नहीं है। तो मेरी बहनों, आप समझें कि इस दीन को जो सींचा है, सहाबे कराम की कुर्बानियाँ रही हैं, और यह है कि ख्वातीन की जो कुर्बानियाँ रही हैं, ये जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए कि यहाँ से लौटें तो हमारी ज़िंदगी में इंकलाब आ जाए, सुधार आ जाए। यहाँ आने का मकसद है। तो ये चंद बातें इस हवाले से आपके सामने पेश की गई। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।